हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ई कॉमर्स, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आल्सो। फर्स्ट वी विल डिस्कस ई कॉमर्स। द टर्म ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स, रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग दैट यूजेस नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स फॉर बाइंग and selling of goods, information and services. E-commerce means electric commerce. It refers a system. E-commerce एक ऐसा system है जिसके through हम online ही buy कर सकते हैं और sell कर सकते हैं किसी भी product को, कोई भी goods, कोई भी services, कोई भी information को online ही हम buy करेंगे और sell करेंगे. In simple words, e-commerce refers to buying and selling of goods and services through electronic means. Simple word में अगर हम define करें e-commerce को, तो इसका meaning होता है buying, खरीदना और बेचना goods and services through internet, through networks. Now we will discuss advantages of e-commerce. First, global market. E-commerce enables business firms to reach out to customers all over the world who have an access to internet. So e-commerce जो है वो हमें एक global market provide करता है, किसी business firm को एक global market provide करता है ताकि वो business firm अपने customer तक पहुँचे, जो भी customer internet पे access करता है, जो भी internet का use करते हैं वो सारे कस्टमर तक बिजनेस फर्म पहुँचे और उनको अपनी सर्विसेज दे, अपने प्रोडक्ट दे. द होल वर्ल्ड बिकम अ मार्केट फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस. तो इससे क्या होता है, किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को होल वर्ल्ड एक मार्केट जैसा दिखता है, मतलब पूरा वर्ल्ड उसके लिए एक मार्केट ही होता है और कस्टमर के लिए भी होल वर्ल्ड एक शॉप होती है क्योंकि वो घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकता है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से वो शॉपिंग कर सकता है, किसी भी स्टोर से वो शॉपिंग कर सकता है थ्रू इंटरनेट. नाउ सेकंड इज 24/7 वर्किंग. ई कॉमर्स वर्क्स 24 आवर अ डे, 7 डेज इन अ वीक. ई कॉमर्स जो है वो 24 आवर्स एक दिन में काम करता है, 7 डेज इन अ वीक. अ बिजनेस फर्म कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज टू कस्टमर एनी टाइम. और जो बिजनेस है वो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में किसी भी टाइम बता सकती है. सो इट इज़ 24/7 वर्किंग. नेक्स्ट इज थर्ड, वाइड चॉइस. फॉर द कस्टमर्स द होल वर्ल्ड बिकम्स अ शॉप. They can look at and evaluate the same product at different websites before making a purchase decision. So जो customers के लिए क्या होता है, whole world एक shop बन जाती है e-commerce के through. तो वो अलग अलग website पे जाके जो उसे product ख़रीदना है उसके information पढ़ सकती है, quality देख सकती है, price देख सकती है और फिर purchase decision कर सकती है. Next, fourth, कस्टमर कन्वीनियंस. कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम होम और ऑफिस. कस्टमर जो है वो अपने घर से भी शॉप कर सकता है, अपने ऑफिस से भी शॉपिंग कर सकता है. दे डोंट नीड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्विज टू टॉक टू अ सेल्समैन. तो उसको क्या है, बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए, सेल्समैन से बात करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको कोई लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन रीड डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेबसाइट एंड परचेज एट देयर ओन कन्वीनियंस. वो क्या कर सकता है, वेबसाइट से प्रोडक्ट के जो भी डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो वहाँ से वेबसाइट से रीड कर सकता है और फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकता है प्रोडक्ट को और ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सकता है. सो इट इज़ कस्टमर कन्वीनियंस. नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर. ई कॉमर्स इनेबल्स बिजनेस फर्म्स टू इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर बाय एलिमिनेटिंग मिडल मैन. सो
इन ई कॉमर्स बिजनेस फर्म्स आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू देयर कस्टमर्स. देयर इज़ नो मिडल मैन नीडेड एंड वाइस वर्सा कस्टमर आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद बिजनेस फर्म्स. नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ई कॉमर्स अलाउज क्विक रिस्पॉन्स एंड रिजॉल्व टू कस्टमर कंप्लेंट्स. ई कॉमर्स क्या करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है और रिजॉल्व करता है कस्टमर की कंप्लेंट्स को. दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है. नाउ दिस इज ऑल आर ई कॉमर्स एडवांटेजेस. फर्स्ट ग्लोबल मार्केट, सेकेंड 24/7 वर्किंग, थर्ड वाइड चॉइस, फोर्थ कस्टमर कन्वीनियंस एंड फिफ्थ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर एंड सिक्स्थ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. नाउ वी विल रीड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट सिक्योरिटी. सिक्योरिटी कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑनलाइन बिजनेस. सिक्योरिटी क्या है, हमेशा से ये एक प्रॉब्लम बनती आई है ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए. क्यों प्रॉब्लम है ये हम देखते हैं. कस्टमर माइट बी हेजिटेट टू गिव देयर क्रेडिट कार्ड नंबर एट द वेबसाइट ड्यू टू अ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केसेस. जो कस्टमर होता है वो अपने क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जिससे भी वो शॉपिंग कर रहा है वेबसाइट पे देने से हेजिटेट करता है, घबराता है, थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं उसके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस ना हो जाए, कहीं उसकी डिटेल्स लीक ना हो जाए, कहीं उसका अकाउंट हैक ना हो जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी. नेक्स्ट कॉस्ट. कॉस्ट मे बी इंकर्ड एज सेटअप कॉस्ट इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड कॉस्ट टू मेंटेन द वेबसाइट. ई कॉमर्स को सेटअप करने में, हार्डवेयर सेटअप करने में और सॉफ्टवेयर सेटअप करने में कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगती है, और ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है उसको मेंटेन रखनी पड़ती है, उसके लिए भी कॉस्ट लगती है. तो इन सब में क्या लगती है, कॉस्ट. और इस वजह से ई कॉमर्स में जो है हायर कॉस्ट लगती है, ट्रेनिंग देने में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में और वेबसाइट को मेंटेन रखने में. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट पीपल वोंट बाय ऑनलाइन. देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक होम फर्निशिंग विच पीपल माइट नॉट लाइक टू बाय ऑनलाइन. सम प्रोडक्ट्स पीपल नॉट वॉन्ट टू लाइक बाय ऑनलाइन लाइक फर्निशिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें उसको कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हमें चेक करना चाहिए प्रोडक्ट को पहले, तो हम ऑनलाइन तो चेक कर नहीं सकते, तो लोग ऑफलाइन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं. फर्निशिंग का सामान हो गया, या कोई कोई लोग क्लॉथ्स भी होते हैं वो पहले टच करके उसका फैब्रिक देखते हैं फिर ख़रीदते हैं. वैस दे माइट वॉन्ट टू सिट ऑन अ सोफ़ा टू सी हाउ कम्फर्टेबल इट इज़ एक्सेट्रा. तो फर्निशिंग का सामान वो ऑनलाइन नहीं ख़रीदते, वो बैठकर उस पर देखना चाहते हैं कि कितना कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है या नहीं है. तो इस वजह से कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पीपल ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ ई कॉमर्स का. नेक्स्ट इज़ फुलफिलमेंट प्रॉब्लम्स. देयर कुड बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू शिपिंग डिलेज एंड मर्चेंडाइज मिक्सअप. कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं तो शिपिंग में टाइम लगता है, डिले हो जाता है. कभी कभी क्या होता है, आप कुछ और सामान मंगाते हैं कुछ और आ जाता है, या कुछ सामान मंगाया आधा आया है, जो दिखाया था उसमें पूरा वो आया नहीं. तो ये सब क्या है, फुलफिलमेंट प्रॉब्लम है. तो ये भी ई कॉमर्स के एक डिसएडवांटेजेस हैं. अगला है रिटर्निंग गुड्स ऑनलाइन कैन बी डिफ़िकल्ट. There are uncertainties regarding whether the goods will get back to their source, will the refund be paid or not, etc.
सो रिटर्निंग गुड्स ऑनलाइन, ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अगर हमें कुछ गुड्स रिटर्न करना है ऑनलाइन, तो हम कभी सोचते हैं कि वो क्या हमारा पैसा जो है रिफ़ंड आएगा भी नहीं आएगा, या जो हम गुड रिफ़ंड कर रहे हैं वो जहाँ से हमने मंगवाया था वहाँ तक पहुँच पाएगा उस बैक टू देयर सोर्सेज, और हम रिफ़ंड हमें वापस मिलेगा हमारे बैंक में नहीं मिलेगा, इसके लिए भी सोचते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का। सो नाउ वी विल रिवाइज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट सिक्योरिटी, सेकंड कॉस्ट, थर्ड प्रोडक्ट पीपल वोंट बाय ऑनलाइन, फोर्थ फुलफिलमेंट प्रॉब्लम, फिफ्थ रिटर्निंग गुड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज ले सकें।